सब्सक्राइब कीजिए नूर फैशन वर्ल्ड चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट फैशन वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नूर फैशन वर्ल्ड। फ्रेंड्स, आज मैं आपको धोती सलवार बताने वाली हूँ जो कि काफी फैशन में है और मुझे उसकी रिक्वेस्ट भी आई थी कि आप धोती सलवार बनाना बताइए, तो मैं आज आपको धोती सलवार बताने वाली हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, सलवार बनाना शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, पहले मैं आपको पेपर पर बताना चाहूंगी कि आपको अच्छे से क्लियर समझ में आ जाए पेपर पे किस तरीके से बनाऊंगी। आप तो देख लीजिए, समझ लीजिए कि ये मेरा 2 मीटर कपड़ा है। मैंने इसको इस तरीके से पहले फोल्ड किया हुआ है, फिर ये जो फोल्ड साइड है मैं नीचे कर दूंगी और इसको हम 4 लेयर में ट्राइंगल शेप में इस तरीके से फोल्ड करेंगे और जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम काट लेंगे। ये बाद में हमारा बेल्ट बनाने में काम आएगा हमें। तो ये इस तरीके से आएगा फ्रेंड्स, ये वाली फोल्ड साइड है हमारी और ये खुली हुई साइड है। 4 लेयर में रखा हुआ है मैंने। अब नीचे से मैं बॉटम का निशान लगाऊंगी। आप चाहें तो बॉटम इस तरीके से जैसे हम सलवार के पोछे बनाते हैं वैसे भी बना सकते हैं, पर मैं इसको ऐसे ना बना के मैं इसको यहाँ से साइड से खुला रखूंगी। आजकल ऐसे ही चल रहा है और पैरों में साइड में ट्राइंगल नजर आता है इसका, कपड़े का बना हुआ। तो ये मैं इसको ना काट के यहीं से अपना जितना मेरे को बॉटम छोड़ना है वहां से छोड़ दूंगी। यहां से लेके यहां तक मैं खुला रखूंगी यहां तक, और यहां से अब मैं अपनी लेंथ नापूंगी। जितनी मेरी लेंथ होगी उतनी रखूंगी और फिर यहां से अपना आसन लूंगी। तो यहां से आप आसन यहां से आता है इस तरीके से 2-2.5 इंच जितना भी छोड़ के। मैं आपको कपड़े पे बताऊंगी, एक आइडिया के लिए मैं आपको बता रही हूँ। इस तरीके से आता है ये और ये यहाँ से इस तरीके से ये चीज कट जाएगी। तो मैं आपको काट के फिर बताती हूँ। यहाँ से हम नहीं काट रहे, अगर आपको काटना है तो यहाँ से काट के जैसे पोछे बनते हैं वैसे ही बना सकते हो यहाँ से। तो हम ये काट लेंगे यहाँ से, ये इस तरीके से हमने काट लिया है, ये इस तरीके से आएगा और यहाँ से हमें नहीं काटना है अभी। तो आप देखिए इसका लुक किस तरीके से आएगा। ये हम 2 अलग अलग कर लेंगे ये इस तरीके से। तो समझिए ये हमारे कपड़े का भी इस तरीके से आएगा। और जो हमारी गैदर होती है वो किस तरीके से बनती है, पहले हम ये जॉइंट कर लेंगे फ्रंट का ये इसमें इस तरीके से, फिर बैक का भी इसी तरीके से जॉइंट करेंगे। तो ये इस तरीके से लुक आएगा फ्रेंड्स इसका। और जो हमारी चुन्नटे हैं, चुन्नटे हमारी यहाँ पे कॉर्नर पे बनती हैं, मतलब कि जो हमारी सलवार होती है सादी, तो सादी सलवार में जो हम अपनी चुन्नटे लगाते हैं तो चुन्नटों का मुंह इस तरफ होता है, हमारी चुन्नटों का मुंह इस तरफ होता है। पर हमें इस तरफ ना करके हमारी चुन्नटों का जो मुंह है वो इस तरफ करना है। सारी चुन्नटे हम इस तरीके से लगाएंगे और इस कॉर्नर तक पहुँचेंगे। ये फ्रंट की हो गई और बैक में भी हम इसी तरीके से लगा के, बैक में भी हम इसी तरीके से मुंह इसी तरफ करके इस कॉर्नर तक और अपनी चुन्नटे लगा देंगे सारी। तो ये तो हुआ एक कॉर्नर, हम दूसरा कॉर्नर भी इसी तरीके से बनाएंगे। और जो हमारी गैदर बनेंगी, जो हमारी प्लेट्स का डिजाइन आएगा, यहाँ से हमें 2-2.5 इंच छोड़ना है, तो हमें हमारा ये इस तरीके से आ जाएगा। तो चलिए अब मैं आपको कपड़े पे बताती हूँ। फ्रेंड्स देखिए, जैसा कि मैंने आपको पेपर पे बताया था कि इस तरीके से ट्राइंगल करना है और जो कपड़ा बचेगा उसको काट लेना है, तो मैंने वैसे ही रखा है। और ये 4 लेयर है कपड़े की और यहाँ से बंद साइड है, फोल्ड साइड है यहाँ से। तो अब हम ये ट्राइंगल आपको दिख रहा होगा, मैंने पेपर पे इसीलिए बताया था, कई बार वीडियो में पूरी वीडियो नहीं आ पाती है इसलिए मैंने आपको पेपर पे पहले समझा दिया था। अब मैं देखिए इसको इस तरीके से घुमा लूंगी। ये जो है हमारा ये वाला पूरा प्लेट्स बनेंगी, तो ये पूरा प्लेट्स बनेंगी इस तरीके से, पूरी प्लेट्स बनेंगी। तो मैं इसको पहले इस तरीके से घुमा देती हूँ फिर आपको बताती हूँ। तो मैं आपको पहले अपना मेजरमेंट बताऊंगी कि मेरा मेजरमेंट जो इस पर लूंगी वो क्या है। वैसे मैं अपनी बेटी के लिए बना रही हूँ, मेरी बेटी 9 ईयर्स की है तो उसके लिए बना रही हूँ। तो मैंने ये 2.25 मीटर कपड़ा लिया था, और आप अगर बड़ों की बनाते हो तो आपको 2.5 मीटर कपड़ा लेना चाहिए। मैं आपको मेजरमेंट बताती हूँ पहले। जो मेरा मेजरमेंट है, लेंथ है 32,
तो उसमें मैं 3 इंच बेल्ट निकाल लूंगी। मेरी बेटी है तो उसकी छोटी बेल्ट बनेगी, वैसे बड़ों की 6 इंच बेल्ट निकालते हैं। मैं इसमें से 32 में से 3 माइनस करके तो मेरा 29 बचेगा जो मैं इसमें लेंथ लूंगी। और मेरा वेस्ट है 32 जिसमें मैं प्लस करूंगी 6 तो 38 हो जाएगा। तो जो बेल्ट होगा वो मैं 38 लूंगी, डबल से होएगा 19 और जो बॉटम है मैं लूंगी यहाँ से 6 इंच। तो चलिए काट लेते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ से लूंगी 6 इंच, कॉर्नर से लूंगी 6 इंच, ये आगे मेरा यहाँ पे 6 इंच। यहां से नहीं काटने वाली हूं मैं, यहां से खुला छोड़ूंगी ये पूरा। और अब यहां से अपनी लेंथ नापूंगी जो है 29, तो ये आ रहा है 28.5 आ रहा है, तो इतना ही मैं ले लूंगी, बेल्ट में एडजस्ट कर लूंगी मैं बाद में। तो ये पूरा ही आ गया है मेरा इधर लेंथ। अब जो आसन है, जो बच्चों का आसन हम बड़ों का रखते हैं 15 इंच, बच्चे ही बच्ची है तो मैं उसका 11 इंच रखूंगी। तो 11 का 3 इंच हमारा बेल्ट में चला जाएगा, तो 8 इंच मैं यहाँ पे लूंगी। और मैंने 8 इंच ये और 1/2 इंच जो सिलाई वगैरह में जाएगा, तो ये 8.5 मैंने यहाँ पे ले लिया है। अब इसको इस तरीके से करेंगे हम, 2.5 इंच अंदर लूंगी मैं इसको इस तरीके से किया मैंने। और इसको हम शेप दे देंगे, इसको हम गोल शेप दे देंगे इस तरीके से। और इसको हम काट लेंगे फ्रेंड्स, बस इसमें हमारी यही कटिंग है तो इसको काट लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए ये मैंने कटिंग कर ली है यहाँ पे, और यहाँ पे कट दे दूंगी जिससे कि मुझे पता चलेगा कि ये मेरा बॉटम बनेगा इतना। तो यहाँ पे मैं हल्का कट लगा लूंगी। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैं इसका लुक दिखाती हूँ इसको, इसको हम अलग अलग कर लेंगे इस तरीके से। तो ये इस तरीके से होगा फ्रेंड्स। अब हमें ये बॉटम पकड़ने हैं इसके, ये फ्रंट में इस तरीके से सिलाई करेंगे, इसी तरह बैक में भी सिलाई करेंगे हम। तो चलिए मैं आपको सिलाई करके फिर दिखाती हूँ। फ्रेंड्स देखिए मैंने पूरा स्क्वायर में रखा हुआ है अभी कपड़ा, और आपको बताती हूँ जो एक आसन मेरा यहाँ पे आया है और एक आसन मेरा ये यहाँ पे आया है। तो इस तरीके से होगा, और मैं आपको इसको इस तरीके से बताती हूँ करके। वैसे इस तरीके से लुक आया है इसका, ये देखिए ये हमारी धोती सलवार है। तो ये आसन है हमारे दोनों जो कि मैंने जॉइंट कर लिए हैं बैक और फ्रंट। अब इसको प्लेट्स किस तरीके से लगाना है, पहले मैं आपको एक कॉर्नर का बताती हूँ, एक ही कॉर्नर का भी बता रही हूँ, एक कॉर्नर को अभी नहीं बता रही हूँ मैं। तो इसका देख लीजिए, ये हमारा कॉर्नर है, ये हमारा आसन है। मैं बार बार बता रही हूँ, मेरा पूरा मकसद यही है कि आपको अच्छे से समझ में आ पाए। और फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। तो इसको, ये फ्रेंड्स हमारा आसन है और ये हमारा कॉर्नर है। ये कॉर्नर को पकड़ूंगी मैं, आपको दिखा देती हूँ अच्छे से। ये मैंने, ये मेरा कॉर्नर है, यहाँ से 1.5 इंच लूंगी मैं, इसको काट लूंगी 1.5 इंच, 1.5 इंच एक साइड से, तो ये 3 साइड, ये 3 लूंगी यहाँ से, 3 इंच का 3 इंच यहाँ पे कॉर्नर, ये इस तरीके से मैं इसको काट लूंगी। तो फ्रेंड्स ये देखिए कॉर्नर मैंने काट लिया। फिर से मैं आपको एक बार बता रही हूँ कि मैं अभी सिर्फ एक ही कॉर्नर का बता रही हूँ आपको। और ये हमारा आसन है सिंपल सलवार में, जो हमारी प्लेट्स रहती हैं, सीधा करके दिखाती हूँ। ये देखिए ये आसन है, और जो मैंने कटिंग की है 3 इंच की यहाँ पे, ये है कॉर्नर। तो हमारी प्लेट सिंपल सलवार में ऐसे आती है, इस तरीके से पकड़ते हैं हम सिंपल सलवार में इस तरह। पर हमें अब इसमें धोती सलवार में ये इस तरीके से प्लेट पकड़नी है, और अंदाजे से ही प्लेट लगाऊंगी मैं इसमें, कोई मेजरमेंट नहीं ले रही हूँ। इस तरीके से प्लेट लगा के हमें इस कॉर्नर तक पहुंचना है।
और यहाँ पे भी इसी तरीके से करना है। ये इस तरीके से प्लेट पकड़ पकड़ के हम बैक के सेंटर तक जाएंगे। तो ये हुआ एक कोने के प्लेट तैयार, और दूसरे कोने के भी हम इसी तरीके से प्लेट तैयार करेंगे। तो चलिए प्लेट तैयार कर लेते हैं। इसकी बेल्ट भी आपको बता देती हूँ। जो बेल्ट है हमारी, यहाँ से जो लंबाई है डबल से, ये 19 इंच है, 19.5 सिलाई करके लिया है मैंने, तो ये 19 है। डबल से 38 इंच की जो है बेल्ट ली है पूरी। और जो मेरी बेटी की कमर है वो 32 है, तो 32 में आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही लेके चले, क्योंकि जब हम इलास्टिक लगाएंगे तो उसमें पूरी प्रॉपर कमर लेंगे। तो मैंने 32 में 6 प्लस किया है, तो ये 38 हो गया, 38 हो गया। तो ये डबल से मैंने, ये है 19.5 है, और इसकी जो ये चौड़ाई ली है, लंबाई ये 5 इंच लिया है, जो कि मोड़ के हमारा 3 इंच ऐसे आ जाएगा, 3.5 इंच। इसमें इलास्टिक डालूंगी मैं, नेफा नहीं बना रही हूँ, क्योंकि बच्चों को इलास्टिक आप डालो तो ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है। तो मैं जब ये यहाँ से पहले मैं सिलाई कर लूँगी, और इसको मैं जब नेफा छोड़ते हैं, नेफा नहीं छोड़ूंगी, इसको पूरा मैं इस तरीके से सिलाई लगा लूँगी, और थोड़ा यहाँ से ही खुला रखूँगी ताकि मैं यहाँ पे इलास्टिक डाल सकूँ अपनी। तो बेल्ट तैयार कर लेंगे हम इसी तरीके से जैसे मैंने आपको बताया है। मैं अंदाजे से ही फ्रेंड चुन्नटे लगा रही हूँ, इसमें गिन के चुन्नटे लगानी है दोनों साइड से। ये पूरी जो हमारा सेंटर का आसन है वहां तक लेके जाएंगे फ्रेंड्स। ये जो इस साइड की हमने चुन्नटे लगाई हैं, ये फ्रंट सेंटर तक लगाई हैं हमने, इस वाले कॉर्नर से पकड़ के और फ्रंट सेंटर तक। और जो हम ये वाली अब चुन्नटे लगाएंगी वो बैक सेंटर तक जाएंगी, तो इस बात का आपको ख्याल रखना है। तो इसको हम कैसे, इसी इतनी ही, जितनी जितनी हमने ये प्लेटें पकड़ी हैं उतनी ही प्लेटें पकड़नी है। गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 प्लेटें हमें इस तरफ भी देनी है। फ्रेंड्स देखिए, मैंने दोनों तरफ ये कॉर्नर थे जिनको हम चुन्नटों से कवर कर लिया है, और मैं आपको बताती हूँ इस तरीके से ये लुक आएगा इसका। अभी जब बन जाएगी पूरी मैं और दिखाऊंगी, तो ये इस तरीके से, पर ये सेंटर में आपको करके दिखा रही हूँ सेंटर में। अब फ्रेंड्स मैं आपको बेल्ट बताती हूँ। जैसे कि मैंने आपको बेल्ट बताया था, ये 3 इंच चौड़ा और ये नेफा मोड़ के ये 3 इंच का हो गया है हमारा। और मैंने आपको बोला था कि यहाँ से थोड़ा सा कपड़ा छोड़ूंगी जहाँ से हमारी इलास्टिक डालेंगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए, मेरे साथ ये ऐसा हुआ है कि मैंने चुन्नटे लगाई है अंदाजे से, पर ये बड़ा पड़ रहा है और ये थोड़ा सा छोटा पड़ रहा है। ये 19.5 इंच का है और ये 21 इंच ऐसे हो रहा है। तो आपके साथ भी ऐसा हो सकता है जैसे कि मेरे साथ हुआ। तो मैं इसको एक के ऊपर एक प्लेट इस तरीके से चढ़ा के और चुन्नटे लगा लूंगी, तो ये पूरा बैठ जाएगा। तो चलिए मैं इसमें करके और फिर आपको बेल्ट भी ज्वाइंट करके दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स ये देखिए, जो हमारी बेल्ट से सलवार बड़ी पड़ रही थी, तो मैंने एक यहाँ से एक प्लेट ऊपर चढ़ा के और दोनों तरफ से बैक और फ्रंट में इसी तरीके से किया है ताकि दोनों तरफ से बराबर आए। अब हम अपना बेल्ट ज्वाइंट करेंगे इसमें। तो ये हमारा सीधा तरफ है और बेल्ट का भी हम सीधा रखेंगे सीधे के ऊपर। और ये देखिए इस तरीके से जो हमारा सेंटर है बेल्ट का, वो हम अपनी सेंटर से मिलाएंगे और सिलाई लगा लेंगे चारों राउंड में, जैसे कि हम सिंपल सलवार में भी लगाते हैं उसी तरीके से ज्वाइंट करेंगे। फ्रेंड्स यहाँ पे हमने राउंड में लगा लिया है अपना बेल्ट। अब हम एक और सिलाई देंगे, जो कि ऐसे करके लगाते हैं बेल्ट को इस तरफ करके, इस तरीके से देंगे। इधर एक कॉर्नर की सिलाई देंगे और मार्जिन जो पीछे का मार्जिन है सारा ऊपर रहेगा। फ्रेंड्स बेल्ट हमने लगा लिया है। अब मैं आपको इसमें इलास्टिक भी लगा के बताऊंगी, उससे पहले मैं अपना आसन ज्वाइंट करूंगी। ये जो यहाँ पे मैंने छोड़ा था 5 इंच का, मैंने वहां पे इस तरीके से कट लगा दिया है और इसको इस तरीके से करके मैं मोड़ लूंगी यहाँ तक 5 इंच, यहाँ पे 5 इंच ये और 5 इंच ये मोड़ लूंगी, दोनों पैरों में ऐसे ही करूंगी। और उसके बाद फिर मैं आसन जोड़ूंगी। तो उल्टी साइड से इस तरीके से मोड़ना है हमें।
दोनों पैरों को इसे ऐसे ही करना है। और अब आसन कैसे जोड़ेंगे ये देखिएगा अच्छे से। ये हमें पूरा यहाँ से लेके इसको हम पहले मिला लेंगे अच्छे से इस तरीके से। चलिए सिलाई लगाते हैं, यहाँ से पकड़ के अलग अलग पैरों में सिलाई लगाएंगे। फ्रेंड्स देखिए पूरा आसन भी मैंने ज्वाइंट कर दिया है, ये देखिए इस तरीके से पूरा आसन हमारा ज्वाइंट हो गया है। अब बची है इलास्टिक, तो मैं इलास्टिक भी लगा के आपको बताती हूँ कि आप किस तरीके से लगाएंगे। ये जो खुला हुआ साइड है, जो हमारा कमर है वो है 32, 32 में हम 5 माइनस करेंगे तो 27 हमें इलास्टिक लेनी है। ये 27 मैंने ली हुई है, तो आप किसी भी मदद से आप पिन या सिलाई की मदद से आप इसमें इलास्टिक डाल सकते हो। तो चलिए मैं डाल लेती हूँ इलास्टिक। तो ये देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से ये आ गया है। अब हमें इसमें पक्की सिलाई लगानी पड़ेगी हमारी इलास्टिक में इस तरीके से। तो फ्रेंड्स ये देखिए ये हो गया हमारा। अब हम इसको अच्छे से अंदर डाल के और इसको हम ऐसे बराबर कर देंगे तो ये अंदर हो गया हमारा। और जो है ये हमारा खुला हुआ साइड था, इसको भी हम यहाँ पे ये जो सिलाई लगाई है इसी के साथ सिलाई लगा लेंगे। फिर हमें एक सिलाई इधर भी देनी पड़ेगी ऐसे खींच के इसके बीचों बीच, क्योंकि जब पलट जाती है तो अच्छी नहीं लगती, फिर बच्चों को भी अनकंफर्टेबल फील होता है। तो यहाँ पे बीचों बीच एक सिलाई लगा लेंगे। तो पहले मैं इसको बंद कर लूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स हमने इलास्टिक लगा ली है इस तरीके से। आप एक दो बार खींचेंगे तो ये अच्छे से इक्वल बैठ जाएगी। तो ये देखिए पूरी सलवार हमारी कंप्लीट है और ये साइड से इस तरीके से इसका लुक आएगा। ये देखिए दोनों साइडों से जब बच्चा पहनेगा तो इस साइड से लुक इस तरीके से आएगा लुक इसका। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी धोती सलवार। तो अब तक के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक का बटन जरूर दबाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।